हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाऊंगी ब्रेड गुलाब जामुन, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, 2 कप पानी। आपको अगर ज़्यादा चाशनी बनानी है तो आप 2 कप चीनी ले और 4 कप पानी, मतलब जितनी आप चीनी लोगे उससे डबल आपको पानी लेना है। तो मैं चाशनी हल्की पतली रखूँगी, क्योंकि बाद में इसमें मैं गुलाब जामुन भी पकाऊँगी 2 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारी चाशनी बन के तैयार है। अब चाशनी को रखेंगे हम साइड में और अब हम बनाएंगे ब्रेड गुलाब जामुन। जो उसके लिए मैंने 7 से 8 ब्रेड लिए, 1 कप दूध लिया है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और ब्रेड के साइड के कॉर्नर को मैंने कट कर लिया है। आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाने हैं तो आप ज़्यादा ब्रेड की क्वांटिटी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अच्छे से मैश करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध हमें ऐड करना है, हमें एक साथ दूध ऐड नहीं करना है। जितना उसमें यूज़ होगा हम उतना ही ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एकदम सॉफ्ट टाइप डोर बनाएंगे ताकि हमारी ईजिली बॉल्स गुलाब जामुन के बन सके। तो ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से बन चुका है और 1 कप में से हमारा 1/4 कप दूध बच गया है। अगर हम ज़्यादा एक साथ घेर देते तो हमारा ज़्यादा दूध हो सकता था। तो ये देखिए, अब एक एक करके बॉल्स बनाऊँगी। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज़ के ही बनाऊँगी, छोटे छोटे तो आपकी चॉइस, आपको जिस साइज़ का बनाना है। तो मैं एक एक करके सारे मैं बॉल्स बना लूँगी, जब तक मैंने ऑयल साइड में गर्म होने के लिए रख दिया। तो ये देखिए, मेरे सारे बॉल्स बनके तैयार हैं। आइए हम फ्राई करते हैं इनको। तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैं एक एक करके इसमें ऐड करूँगी। हमें एक साथ सारे ऐड नहीं करने हैं और इसको हल्के हाथों से हमें हिलाना है। एकदम तेज़ नहीं लाएंगे, वरना फिर ये टूट सकते हैं। तो हम हल्के साइड में से ऑयल को अच्छे से करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है। अगर आपका खाने का करे कुछ मीठा मन तो आप इसको सिर्फ 5 से 7 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस लगते हैं। तो ये देखिए, हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी के बॉल्स बचे हैं हम उनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बार के लिए हमने फ्लेम हाई पे रखा है, जो हमारा ऑयल था वो हल्का ठंडा हो गया था, तो इसलिए अब बाद में हम वापस से लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए, सारे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम फिर से गैस पे चाशनी चढ़ा देंगे और सारे बॉल्स इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर ईजिली चाशनी जा सके और एकदम ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी आने वाली नोटिफिकेशन आप ईजिली देख सकें।